दिवाकर सर, एमटार पे क्या राय बनती है करंट लेवल्स पे? एमटार, जिसमें एमटार का स्टॉक आईटी स्टॉक के साथ इसमें भी एक काफी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो रेंज मैं आपको बताता हूँ, 1750 से लेके स्टॉक जो कंसोलिडेट कर रहा है वो 1530, यानी ये आप लगा लीजिए 200 पॉइंट की रेंज है। इन 200 पॉइंट की रेंज में स्टॉक ऑसिलेट कर रहा है पिछले 4-5 महीनों से। तो स्टॉक में अगर किसी को लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2 से 3 साल का समय दे सकते हैं, तो स्टॉक में हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करें, एसआईपी के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आईटी स्टॉक में जैसे मैंने हर बार अपना व्यू शेयर किया है कि आईटी स्टॉक्स के लिए हो सकता है ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर थोड़ा सा वीक रहे, लेकिन मार्च क्वार्टर के एंडिंग के बाद से आईटी स्टॉक्स में एक रिवर्सल आने को मिलेगा। तो उन उन लेवल अगर वो रैली को मतलब उन उस रैली को में अगर पार्टिसिपेट करना है, तो फिलहाल अभी से ही एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक्यूमुलेशन होना चाहिए ट्रांचेज में कि हर 5% 7% की गिरावट पे अपना 33-40% तक का कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप के तरीके से इन्वेस्ट करें, लेकिन वो बता दिया है कि यहाँ पे कहीं एक्शन आता हुआ दिख सकता है।